हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। ब्रेकअप के बाद भी अनुष्का रणवीर ने कहा कि अब साथ मिलकर धमाल दिखाएंगे हम। प्रियंका और दीपिका के साथ चित्रंगदा की कैट फाइट का क्या है सच, खुद चित्रंगदा देगी सफाई। सलमान को छोड़ करीना कपूर किस बॉडीगार्ड की हुई फैन, रिवील करेंगे हम। रणवीर सिंह और अनुष्का का ब्रेकअप किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, दोनों एक साथ मिलकर काफी धमाल मचा रहे हैं, लेकिन क्यों और कहां, वॉच द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणवीर और अनुष्का फिर दिखे एक साथ बैंड बाजा बारात वाले मूड में, दोनों ने एक साथ डांस भी किया। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि ये एक्स कपल फिर एक साथ हो गए हैं, तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा पहुंचे ऑर्फन किड्स के एक स्कूल में टू स्पेंड एन इवनिंग विद देम, लेकिन यहाँ रणवीर अनुष्का का पूरा ख्याल रखते नजर आए। The band baja barat couple started the evening by doing a recce of the school with the principal. Uske baad dono pahunche stage par to entertain the kids. Kaise? Chaliye aap khud hi dekh lijiye. Na hi na hello, seedha dance. सुरमा भटोरे अग दे छोर पड़े हाय हाय। मैं बहुत बुरा गाता हूँ, वो हमारे गाने को सलीम मर्चेंट ने गाया है, वो वाला ओरिजिनल सुनते हैं। हाँ अनुष्का जी अब आए हैं तो नाच के जाएंगे। फिर क्या था, रणबीर का जोश देखकर हर कोई हो गया मस्त, और फिर नजारा कुछ ऐसा था। बैंड बाजा बारात को भले ही रिलीज हुए काफी वक्त हो चुका हो, भले ही उसके बाद ये जोड़ी भी टूट चुकी हो, लेकिन अनुष्का और रणबीर का पैर अभी भी उतना ही हिट है जितना पहले था। चित्रंगदा सिंह आजकल अपनी फिल्म्स के लिए कम और अपनी कैट फाइट्स के लिए ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन जूम पर चित्रंगदा ने कर दिया सारी रूमर्स को क्लियर। क्या कहा उन्होंने प्रियंका और दीपिका के साथ अपनी कैट फाइट पर, आप खुद सुन लीजिए। फिल्म देसी बॉयज में चित्रांगदा और दीपिका को लेकर आए दिन आ रही कैटफाइट की खबरों पर अब चित्रांगदा ने दे दी है सफाई। साथ ही चित्रांगदा ने जूम पर क्रिस्टु को लेकर भी कर दिए सारे रूमर्स क्लियर। चित्रांगदा सिंह आई एक इवेंट पर टू प्रमोट देसी बॉयज एंड जूम ग्रैब दिस चांस टू फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड द रूमर्स ऑफ द कैटफाइट्स। हमने चित्रांगदा से पूछा कि क्या फिल्म के सेट पर उनके और दीपिका के बीच पिंक ड्रेस को लेकर हुई थी फाइट, तो खुद सुनिए उनका जवाब। आई डोंट नो, आई एम श्योर शी कैन अफोर्ड अ पिंक ड्रेस एंड सो कैन आई, दे कैन नॉट बी जस्ट वन चलिए चित्रांगदा, मान ली आपकी बात, अब जरा हमारे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। हमने सुना है कि आपने छोड़ दी क्रिस्टु बिकॉज ऑफ प्रियंका। We had date problems about it and spoken about it, I don't know how many times. So it's just date issues that we couldn't sort and it was a very extensive schedule and we couldn't sort it. तो ये बात है जिसकी वजह से आपको क्रिश से हाथ धोना पड़ा। चलिए हम तो यही कहेंगे कि अब आपका नाम किसी रूमर में ना आए। डॉन 2 का नया सॉन्ग हो गया है इंटरनेट पर लीक, जिसे हर कोई कर रहा है डाउनलोड, लेकिन क्या ये सॉन्ग रियल है, क्या वाकई ये गाना शाहरुख की फिल्म डॉन 2 का है? वेल, वी हैव द राइट इंफॉर्मेशन, जस्ट वॉच द स्टोरी। क्या डॉन 2 का सॉन्ग हो गया है इंटरनेट पर लीक, क्या छम्मक छल्लो की तरह ये गाना भी रिलीज से पहले आ गया है सामने। हम आपको बता दें कि डॉन 2 के एक गाने को धड़ल्ले से किया जा रहा है डाउनलोड।
हर कोई शाहरुख की नई फिल्म के गाने को अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जूम को मिली खबर के मुताबिक ये जिस गाने को डाउनलोड किया जा रहा है वो दरअसल शाहरुख की फिल्म डॉन 2 का है ही नहीं। सोर्सेज की माने तो एक फेक सॉन्ग को इन दिनों काफी डाउनलोड किया जा रहा है। इस सॉन्ग का नाम रहमत है, लेकिन वहीं दूसरी ओर फिल्म से जुड़े सोर्सेज का कहना है कि ये सॉन्ग डॉन 2 फिल्म में है ही नहीं और डॉन 2 के किसी नकली गाने को लोग इंटरनेट पर देख रहे हैं। गौरतलब हो कि शाहरुख की लेटेस्ट रिलीज रावण का सॉन्ग छमक छल्लो भी इंटरनेट पर लीक हो गया था और ये इंटरनेट बफ्स को देता है मोर रीजंस टू बिलीव कि डॉन 2 का गाना भी ओरिजिनल है। ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी और उनकी डिलीवरी डेट को लेकर हर दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है, पर इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये बता दिया है खुद उनके हबी अभिषेक बच्चन ने। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहा अभिषेक ने। अब ऐश की ड्यू डेट जब नजदीक आ गई है तो उससे ठीक पहले फादर टू बी अभिषेक बच्चन ने क्लियर कर दिए हैं सारे रूमर्स ऐश की प्रेगनेंसी को लेकर। एक न्यूज़पेपर को दिए अपने इंटरव्यू में अभिषेक ने उन सारी अफवाहों को साफ कर दिया है जो ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी और उनकी डिलीवरी डेट को लेकर उड़ रही थी। रूमर नंबर 1, ऐश की डिलीवरी डेट क्या है? 11/11/11 नहीं बल्कि ऐश्वर्या की डिलीवरी डेट जब ड्यू होगी तभी आएगा बेबी बी। अभिषेक ने क्लियर कर दिया है कि बच्चन फैमिली किसी पर्टिकुलर डेट का वेट नहीं कर रही है फॉर द डिलीवरी। इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ फिक्शनल राइटिंग। इट्स रिडिकुलस टू सजेस्ट दैट आईड इंड्यूस माय वाइफ टू गो थ्रू अ सिजेरियन सो आवर बेबी वुड बी बॉर्न ऑन अ पर्टिकुलर डे। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ हेल्दी सेफ एंड एज कंफर्टेबल अ डिलीवरी एज पॉसिबल। रूमर नंबर 2, क्या अभिषेक हो गए हैं सुपरस्टिशियस? क्या अभिषेक बच्चन अपने बेबी के लिए मिल रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट से? जी नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभिषेक नहीं मानते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को, वो सिर्फ चाहते हैं एक हेल्दी बेबी भी। रूमर नंबर 3, क्या बच्चन परिवार चाहता है बेबी बॉय? हाल ही में जो अफवाहें आ रही थी कि बच्चन परिवार में आएगा एक बेबी बॉय, इस खबर को भी अभिषेक ने बता दिया है एक झूठ। उन्होंने बताया कि उन्हें और बच्चन परिवार को नहीं पता है इफ इट्स अ बेबी बॉय या बेबी गर्ल, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूमर नंबर 4, क्या ऐश्वर्या ट्विंस को जन्म देने वाली है? ऐश्वर्या इज कैरिंग ट्विंस, इस बात को अभिषेक पहले ही डिनाई कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने ये बता दिया कि ये खबर भी झूठी है। वेल अभिषेक, आपकी तरह हम भी यही प्रे कर रहे हैं कि ऐश्वर्या को एक हेल्दी बेबी हो। अक्षय कुमार अपनी फिल्म देसी बॉयज को लेकर कर रहे हैं काफी मेहनत, इसलिए वो फिल्म को प्रमोट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसलिए एक चैरिटी इवेंट में पहुंचे अक्षय ने, वहां पर भी अपनी फिल्म को कर दिया प्रमोट। कैसे आप खुद देख लीजिए। अक्षय कुमार पहुंचे अपने पुराने स्कूल डॉन बॉस्को के एक इवेंट में, लेकिन वहां भी अपनी फिल्म देसी बॉयज को प्रमोट करना नहीं भूले। खुद देखिए, इस इवेंट में अक्षय के साथ देसी बॉयज में उनकी को स्टार चित्रांगदा सिंह भी पहुंची। अक्षय और चित्रांगदा ने अपनी फिल्म के गाने पर खूब धमाल मचाया। अक्षय के जोश को देखकर चित्रांगदा भी खुद को रोक नहीं पाई और स्टेज पर ही डांस करने लगी। अपने स्कूल पहुंचे अक्षय went in a nostalgic mood। अक्षय ने स्टूडेंट्स के साथ काफी टाइम भी स्पेंड किया, साथ ही उन्हें अपनी फिल्म की डीवीडीज भी बांटी। अगर आप जाएंगे अंदर तो मेरी क्लासरूम सी ग्रेड मेरी क्लास थी वहाँ, उधर मैं पढ़ा लिखा हूँ और यहाँ ऊपर प्रिंसिपल का ऑफिस है मेरे। और मतलब ये कह सकता हूँ कि मतलब वैसे तो मैं हर 2-3 महीने में इधर आया करता हूँ, आज फिर एक मौका मिला यहाँ आने का एंड आज सारे बॉयज़ आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं इधर मिलने। तो मैं करीबन बेसिकली हर 2 या 3 साल में एक बार इधर आ जाया करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही खुल गई उनकी पोल। अक्षय की स्कूल टीचर ने बता दिया कि वो स्कूल टाइम पर कितने बड़े रास्कल थे। He was a big rascal in school. He loved one teacher, Angela and Mala. Poor अक्षय, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा अपनी स्कूल रिविजिट करने से पहले ही उनके राज खुल जाएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक
छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सलमान को छोड़कर किस बॉडीगार्ड की फैन हुई करीना। करीना हो गई है एक बॉडीगार्ड की फैन, लेकिन वो सलमान नहीं है। फिर कौन है वो बॉडीगार्ड जिसके साथ करीना आजकल फील कर रही है सेफ? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। करीना लगता है बॉडीगार्ड से है बड़ी क्लोज। अपनी फिल्म बॉडीगार्ड करते करते करीना ने बढ़ा ली अपनी दोस्ती बॉडीगार्ड के साथ। फिल्म के प्रमोशन के वक्त तो वो बॉडीगार्ड के साथ दिखी ही, पर अब भी वो बॉडीगार्ड का साथ नहीं छोड़ रही है। पर ये बॉडीगार्ड सलमान खान नहीं, बल्कि सलमान का बॉडीगार्ड शेरा है। जस्ट हैव अ लुक एट दीस पिक्चर्स। जब करीना अपनी फिल्म प्रमोट कर रही थी, तब सलमान अपने बॉडीगार्ड को करीना के साथ भेज देते थे, पर रिसेंटली इन पिक्चर्स के बाहर आने से ऐसा लगता है कि अब भी बॉडीगार्ड की प्रमोशन चालू है। इट सीन्स करीना और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा अच्छे दोस्त बन गए हैं। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news and gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.